वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल, आज काशी में देव दीपावली का प्रोग्राम। किसानों की तहरीक पर वजीर दाखिला अमित शाह से वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने की मुलाकात, किसानों के मुद्दे पर 24 घंटे में दूसरी बार मीटिंग। यूपी गेट पर किसानों का हंगामा, दिल्ली में कुछ इलाकों में लगा जाम, किसान लीडरान ने सरकार के नेतृत्व पर उठाए सवाल। दिल्ली बॉर्डर पर जारी है किसानों की तहरीक, सड़क पर ट्रॉलियों को ही किसानों ने बनाया घर, दिल्ली के 5 पॉइंट पर अब किसानों का धरना। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखे, पंजाब के किसानों ने गुज़श्ता साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा एमएसपी पर बेचा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को लिखा खत, कृषि कानून में किसानों के मुताबिक बदलाव करने की अपील। कर्नाटक की येदुरप्पा हुकूमत ने वजीर के एस ईश्वरप्पा का मुतनाजा बयान, कहा हिंदुओं के किसी भी तबके को दे सकते हैं टिकट लेकिन मुस्लिम को नहीं। हिंदुस्तान ने इस्लामिक मुल्कों की तंजीम को दिया इंतबाह, कहा पाकिस्तान के बहकावे में ना आए, पाकिस्तान में महफूज नहीं है अकेलियत, मुस्तकबिल में कश्मीर का ना करे जिक्र। एमपी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल का नाम बदलने का उठाया मुद्दा, कहा ईदगाह हिल का नाम बदलकर किया जाए गुरु नानक टेकरी, 500 साल पहले भोपाल आए थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर तकरीबात मुनाकिद, पीएम मोदी और पंजाब हरियाणा हिमाचल के वज़राए आला ने दी मुबारकबाद, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सुल्तानपुर लोधी में हुए नतमस्तक। हरियाणा के हिसार में गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा में खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, इस मौके पर राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हिंदुस्तान में 24 घंटे में 38,772 नए केस दर्ज, एक दिन में कोरोना वायरस से 443 लोगों की मौत, मुल्क में अब तक कोरोना से 94,31,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर, मुल्क में 4,46,952 एक्टिव केस। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा सस्ता, वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिए अहकाम, कहा जाँच का दायरा बढ़ने से वायरस रोकने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जैश का दहशतगर्द गिरफ्तार, दहशतगर्द के पास से ग्रेनेड और 3.5 लाख कैश बरामद, फौज का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ जिले में एलओसी के पास नजर आया पाकिस्तानी जंगी तैयारा, पाकिस्तानी जंगी तैयारा नजर आने के बाद लोगों में डर का माहौल, कुछ ही देर में वापस अपनी सरहद में चला गया पाक जंगी तैयारा। असम के हैलाकांदी में पुलिस ने 8 रोहिंग्या को किया गिरफ्तार, बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने का इल्जाम। कार और बाइक के बाद अब बाजार में ई ट्रैक्टर की होगी लॉन्चिंग, ओमेगा से की मोबिलिटी 2022 के शुरू में ट्रैक्टर करेगी लॉन्च। 2 दिसंबर को खुलेगा बर्गर किंग का आईपीओ, कंपनी ने इश्यू का बेस प्राइस 60 रुपये रखा। 390 रन के टारगेट को चेस करने उतरी टीम इंडिया 338 रन पर रन ही बना पाई, कोहली ने हार के लिए गेंदबाजों को ठहराया जिम्मेदार। हिंदुस्तान में शुरू हो सकता है घरेलू क्रिकेट मैच, बीसीसीआई ने 20 दिसंबर से मुश्ताक अली ट्रॉफी और 11 जनवरी से रणजी ट्रॉफी कराने के लिए मांगी राय। रिश्ते अवार्ड में अंकिता लोखंडे देंगी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट, प्रैक्टिस का वीडियो पोस्ट कर लिखा, परफॉर्म करना है काफी अलग और काफी मुश्किल। कल एक दूसरे के हो जाएंगे सिंगर आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल, मुंबई के एक मंदिर में कुनबे के साथ दोनों करेंगे शादी। दहशतगर्दाना हमले से दहला अफगानिस्तान, गजनी में कार बम धमाके में 31 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत, 34 फौजी जख्मी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में फर्जीवाड़े के दावे को फिर से दोहराया, कहा मेरी राय बदलने वाली नहीं है।